नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। और आज का व्लॉग मैं सुबह से स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी सुबह के टाइम हो रहा है शायद 11:00 दिन का टाइम हो चुका है और ना थोड़ी बहुत उमस भी हो रही है और मौसम भी ऐसा मतलब फुल्ली बारिश वाला मौसम हो रखा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ से उस साइड में तो बारिश हो रही है और यहाँ से नीचे का नजारा मौसम ही ज़्यादातर ऐसे हो रखा है और यहाँ भी ऐसे हो रखा है, मतलब उमस भी हो रही है हल्की फुल्की। ये तो बारिश होनी चाहिए तो खूब तेजी होनी चाहिए, है ना? और आप लोगों ने मेरे ब्लॉग काफ़ी टाइम से मिस करे होंगे तो उसके लिए भी मैं सॉरी बोलना चाहूँगा, क्योंकि एकदम बीच में इधर टाइम नहीं मिलता है और इधर उधर ज़्यादा घूमने का भी टाइम नहीं मिलता। कभी कभार जब इधर मार्केट मुर्केट गए तो अलग बात है, खैर वैसे तो इधर उधर ज़्यादा कभी मिलता नहीं है ना, क्योंकि साल भर हो गया। साल भर से मैंने अभी तक मतलब ऑलमोस्ट साल भर के समथिंग में मैंने अभी तक ओनली ऑन 4 छुट्टियां ली है बस, इससे ज़्यादा मैंने अभी तक एक भी छुट्टी नहीं मारी है और उमस भी हो रही। तो मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा पीछे के बैकग्राउंड वाला सीन दिखा लेता हूँ। देख सकते हैं मौसम ऐसा घिरा घिरा हो रखा और ये आप चेक कीजिए उस साइड तो ना बारिश बहुत तेज हो ही रही है, थोड़ा सा आप देख सकते हैं। और नीचे मार्केट में भी ऐसा ही है, ये भी दिखा देता हूँ आपको ऐसे में, ये आप देख सकते हैं। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग कृपया करके मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मेरी और वीडियोस पाने के लिए आप लोग उन वीडियो को भी देखें। और जो चीज़ आपको कुछ मेरे से मतलब जो चीज़ मेरे को वीडियो में कुछ पूछना हो आप लोग मेरे को पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में उनका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और आप लोग देख सकते हैं मेरा नया लुक, मैंने आजकल थोड़ा सा सेविंग करवा रखी है तो बाल मैंने ना थोड़ा सोच रहा हूँ बाल को ना थोड़ा लंबे रखूँगा, तो अभी प्रोसेस जारी है। और जो भी चीज़ें हैं मैं आपको दिखाऊंगा। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और मेरा फेसबुक पे भी आप लोग मुझे फॉलो ज़रूर कीजिए और इंस्टा पे भी तो है ही, खैर है ना। ऑलमोस्ट फेसबुक पे भी मेरे कम से कम 5000 से ऊपर फॉलोवर्स हो चुके हैं और जितने लोग मुझे चाहते हैं उन लोगों का दिल से बहुत धन्यवाद और जो लोग नहीं भी चाहते उनका भी धन्यवाद। ज़्यादा हो सके तो आप मेरे फेसबुक चैनल और यूट्यूब चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि और वीडियोस आप लोगों को दिखें और आप लोगों ऐसे इंटरटेनमेंट होता रहे और ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। तो उसके लिए भी आप मेरे को ना थोड़ा सा कमेंट में दिल वगैरह भेज सकते हैं और कुछ क्वेश्चन पूछना हो वो भी पूछ सकते हैं। तो अभी चलते हैं नीचे, मैं आपको नीचे थोड़ा नीचे का व्यू दिखाता हूँ और मिलते भी आपको थोड़ी देर में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे वीडियो में। चलते हैं हम यहाँ से नीचे और देखते हैं मिसिस क्या कर रही है। और बारिश भी रात को यहाँ पे ना खूब बारिश हुई थी रात को, तो गाइस वहाँ ना शायद पुस्ता वगैरह कुछ गिर गया वहाँ से, तो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा कुछ देखे तो वहाँ से पूरा टूट चुका है, शायद पुस्ता डह गया वहाँ से, मुझे यही लग रहा है यहाँ बीच में से। तो अभी फटाफट से नीचे चलते हैं, बारिश हमने स्टार्ट हो चुके हैं तो अभी के लिए तो फिलहाल अब एक काम करेंगे, मैं शायद सुबह के टाइम वहाँ पे जाऊँगा तो मैं आपको दिखाऊँगा वहाँ शायद कितना ज़्यादा पुस्ता गिरा है। तो आप देख सकते हैं अभी हम यहाँ चलते हैं अंदर। और गाइस कमरा हमने इधर ही कर रखा है नरेंद्र नगरी, तो जाना है तो अभी चलते हैं अंदर, देखते हैं अंदर क्या हो रहा है। और गाइज यहाँ पर ना ऑलमोस्ट अभी हमने कपड़े कपड़े यहाँ पे तख्ता वगैरह कुछ लगा नहीं रखा है, तो जो भी होगा मैं आपको वीडियो में धीरे धीरे बताता रहूँगा। आप बाहर का व्यू देख सकते हैं, अभी हमने यहाँ पे तख्ता वगैरह कुछ लगा नहीं रखा तो अभी नीचे ज़मीन पे सो रहे हैं। तो वैसे तख्ता से बढ़िया या बेड वगैरह से बढ़िया नीचे ज़मीन पर सोना बहुत अच्छा है। और अभी आप देख सकते हैं हमने पंखा भी चला रखा है, तो अभी आपको दिखाता हूँ। तो गाइस बारिश स्टार्ट हो ही चुकी है और आप देख सकते हैं बारिश का मौसम। और वहाँ पे ना मेरे ख्याल से उस साइड में ना पुस्ता टूट गया है वो, तो उसको वो मैं ना आपको सुबह तक दिखाऊंगा, छोटी सी क्लिप दिखाऊंगा जैसा भी होगा। आप देख सकते हैं बारिश कैसे हो रखी है, और बोलते ना गड़वाली भाषा में चौमासा, वो ही लग गया है अब से। और मैं थोड़ा सा अंदर कमरा दिखाता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें हमने रखी है। यहाँ पे लेटरिंग है, यहाँ पे बाथरूम है और ये किचन का एरिया है
और हमने ना यहाँ पे भी नॉर्मल से कपड़े कुपड़े जो भी चीज़ें सारी यहाँ हैं, बैग बुक यहाँ पे गद्दा गुद्दा ऐसे लगा रखा नॉर्मल, और बाहर भी ऐसी है। अभी ना हमने ये वाला कमरा खाली रखा है क्योंकि जब तक ब्रॉनी था तो ब्रॉनी है नहीं अब हमारे बीच में, तो एक्चुअली क्या हुआ कि 14 तारीख को सुबह के टाइम 6:30 बजे के समथिंग में मैं यहाँ से उठा तो ऊपर की तरफ जा रहा था यहाँ से, और वहीं से ही ब्रॉनी को बाग लेके चले गया है ना। तो उस दिन से हमें इतना बुरा लग रहा ना, क्योंकि मेरी वीडियो में कुछ वीडियो में तो ब्रॉनी था बट अब नहीं है, अभी थोड़ी थोड़ी जगह दिख रहा था बट लेकिन वो है नहीं। तो जब से गाइस ब्रॉनी मेरे साथ नहीं है उस दिन से ना काफ़ी बुरा लग रहा है। तो क्योंकि ये वाला कमरा यहाँ पे हमने उसके लिए नहाने धोने के लिए रखा हुआ था, और बाकी यहाँ पे अंदर ही हम उसको बांध के रखा करते थे, तो वो अब साथ में है नहीं, तो क्या कर सकते हैं, जाने वाले कौन रुक सकता है। पर थोड़ी गलती थी बट क्या करें, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम गाइस दूसरा तो घर हम लाएंगे बट लेकिन अभी कुछ टाइम बाद शायद मैं ना भोटिया कुत्ता लेके आऊँगा। तो मैंने ना बहुत ढूंढा, तो मेरे को 1-2 लाइब्रेरी मिल रहे थे पर मैं नहीं लाया, मैंने कहा यार कौन ला रहा है ना। तो अभी थोड़ा सा सामान सामान समेटते हैं, थोड़ा सा सफाई सफाई करेंगे, फिर थोड़ा सा आगे का दिखाऊंगा आपको और जो भी चीज़ें हैं ना। तो अभी खाना खुना बनाना है तो अभी पहले दाल वगैरह रखते हैं। ये चने की दाल है और ये भी काले वाले चने हैं, तो अभी चलते हैं। तो हमने इस पर राजमा रखी है, अभी हमारे पास और भी राजमा हैं इस पर रखा है, तो वो भी समेटते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, खाना बनाते हैं फिर। गाइस इनकी तबीयत ख़राब हो रखी है और तभी थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, क्या करें, काम थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है। अभी दाल दूल रखते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। ये दाल है, आपने तो कभी खाई नहीं होगी ऐसी दाल, और अब देख सकते हैं। और गाइस मेरे को ना ऊपर जाना है बट लेकिन कैसे जाऊँ, बाहर तो बारिश बहुत तेज़ हो रही है, ऊपर जाना था बट लगता है मुश्किल ही जा पाऊँगा, अभी वहाँ जाना था बट जाऊँगा कैसे, बारिश भी ऐसी हो रही है। गाइस ऊपर तो मैं चले गया था और वहाँ ना बारिश ना बहुत कहर डाल रहा और भयंकर के बाहर तो पूरा पानी पानी भर गया, बड़े बड़े मुश्किल से मैं ऊपर गया, कपड़े कपड़े भी भीगे तो वो भी मैंने उतार दिए, और अभी यहाँ पे कपड़े कपड़े समेटे जा रहे हैं और मस्त करके कपड़े समेटे जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं बाहर बारिश भी बहुत तेज़ हो रही है। गाइस ऐसी नौकरी करनी ना बहुत बेकार है, और ख़ास करके आजकल के जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट है ना सारे बेकार हैं, कहीं से कुछ भी किसी चीज़ से कुछ फैसिलिटी नहीं है भयंकर के। अगर कुछ अभी सपोज दैट कुछ घटना घटती है ना, तो यहाँ तो ऐसा भी नहीं है कि भयंकर के कोई एकदम से मदद के लिए आ भी जाए, बहुत बेकार नौकरी है। मतलब बहुत बहुत बुरे तरीके से यहाँ पे ना इस तरीके से रहना पड़ता ना कि क्या बताऊँ, तो बेकार नौकरी है भयंकर के। अभी बैठे हैं कमरे पे, तो अभी थोड़ा सा खाने के लिए बनाएंगे कुछ खिचड़ी वगैरह, दाल चावल जो भी है, तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। तो अभी खाना खुना बनाएंगे, तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और कुछ भी चीज़ पूछना तो मुझे बेझिझक कमेंट में बता सकते हैं। Turn us to thousands, and we'll grow in number. Fueled by thumb to see the horizon. Turn us to thousands. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And गाइज हमने अपना बिस्तर बिस्तर एकदम सेट कर लिया है, और यहाँ से भी हमने अपना पूरा सामान सामान सेट कर लिया, कपड़े कपड़े, और बाकी आप बाहर का थोड़ा सा दिखाता हूँ।
मतलब बारिश तो रुकी गई है, और तो अपन देखते हैं किचन में क्या बन रहा है। तो हम बना रहे हैं स्पेशल खिचड़ी। तो मैडम जी कैसी वाली बनाओगे? अच्छा, पीने वाली बनाओगे ड्राई बनाओगे? बोलो। तो मसाले सारे पड़ चुके हैं, हल्दी नमक मिर्च वगैरह। तो ये भी जल्दी रेडी हो जाएगा, और तब तक मैं बाहर का दिखा लेता हूँ। तो बारिश भी थोड़ी कम हो ही गई है, और यहाँ से ना ये पूरा ब्लॉक हो गया, तो मतलब काफ़ी हाफ हाफ तक पानी भर चुका है यहाँ से, और इसको थोड़ी देर में तो ये हो ही जाएगा ठीक। और अभी तक तो यहाँ पूरा मौसम बिल्कुल कोहरा कोहरा हो गया था, और अभी मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। और ब्लॉग का एडिट भी करना है, तो खाना खाने के बाद ही थोड़ा सा शाम के टाइम या 2:30-3 बजे करीबन तक मैं इसको पोस्ट कर दूंगा, और बने रहिए वीडियो में तब तक, और मस्त मौसम का आनंद लीजिए। बारिश तो सारी जगह हो ही रही है, तो अपने अपने गाँव घरों और शहरों में इस बारिश के मौसम का लुत्फ़ उठाइए और मज़े कीजिए। तो फाइनली गाइस, हमारी खिचड़ी रेडी हो चुकी है, और आप देख सकते हैं, और हमने ये वाली भी बनाई है, और अभी हम खाते हैं। मस्त मौसम भी ऐसे हो रखा, और मिलते हैं आपसे गाइस। अभी ऋषिकेश का मौसम भी ऐसे हो रखा है मस्त, और वहाँ पे भी ना कुरेड़ा कुरेड़ा हो गया है भद्रकाली की साइड, और बाकी नीचे के लोगों को राहत अब मिली होगी थोड़ी सी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी ना नीचे, तो इसीलिए। और आप देख सकते हैं, और ये चीज़ भी आप देख ही सकते हैं कितना मस्त लग रहा है दूर से। और गाइस, हमारे साथ ब्रोनी भी नहीं है, तो बहुत बुरा लग रहा है, उसके बगैर बहुत अजीब सा लग रहा है। और मौसम देखना कैसा हो गया, एकदम मस्त हो गया, सारी जगह कोहरा ही कोहरा हो गया है। तो गाइज, अगर आप लोगों को वीडियो मेरी अच्छी लगी हो, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी, और मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।